डू कम अक्रॉस द परफेक्ट एम्बेसडर फॉर इंडिया एंड भारत. I assume that you're unmarried right now. Why do you assume that? Because tabloids say that. Maybe you should have kids to stay young. Shah Rukh did. You can take the boy out of Haryana, but you can't take the Haryana out of the boy. What is broken in Haryana? Shah Rukh ke hawai jaat tera tera bhai udaega. Gaadi tera bhai chalayega. Emotions are fleeting. Tumhe kabhi bhi dhoka de sakte. Log aur emotions dono. Log aur emotions. एक बार एक हरियाणवी लड़का अपने बापू को बोलता है कि बापू तने खुशखबरी देनी है. हाँ. तो बापू बोलता है कि तो उसको बोलता है कि तने कही थी कि अगर पास हो गया तो गाड़ी दबाऊंगा. हाँ. तो बापू बोलता है हाँ तो कहता है पैसे बच गए थे. हमें पता चला था कि आपको एक अच्छे मूड में देखना है तो आपको एक हरियाणवी जोक सुनाना चाहिए. सो आई ट्राइड. वेल ट्राइड एंड वेल डन. व्हाई डोंट यू गिव अ हरियाणवी स्लैंग. I'm blanked out about the joke. I know so many jokes. तो एक गांव में एक नई नई बहू आई थी. तो एक उधर लोरी बुड्ढा था. तो वो रोज कुएं पे वेट करा करता उसकी. आओगी तो देखेगा. तो उधर एक बिल्ली भी आ गई थी. तो उसने बिल्ली का बलूटना ठा लिया. तो उसने बोला आ रहे बलूटने छम छम बाजे तेरी पायल. अगले दिन फिर आई और यार है बलूट ने आज तो लीला सूट फेर गा रहा है. तू छोरी ने बेरा पड़ गया कि ये ताऊ लोरी है. उसने घर आ जाकर बता दी. घर आए आगे उसने कूट दिया ताऊ बूंदी त्रिया. फिर ताऊ के हाथ पैर तोड़ दिए सारे. फिर अगले दिन फिर ताऊ प्लास्टर प्लूस्टर बांध रहा और बलूट ने ठाके बोला आ रहे बलूट ने इसी बात के घर बताने की वह करे. आई थिंक हरियाणा से आपका एक अलग फैन बेस है. फैन बेस तो पता नहीं पर हरियाणा से मैं हूँ और मेरा बहुत प्यार है हरियाणा से. और मैं कभी दुनिया में कहीं चला जाऊँ मैं भूलता नहीं हूँ हरियाणा से. यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ हरियाणा बट यू कांट टेक द हरियाणा आउट ऑफ द बॉय. यस दैट्स राइट. इन फैक्ट आपकी कितनी सारी मूवीज की ना क्लिपिंग्स बनती हैं और रील्स बनती हैं. वायरल रील्स सर्कुलेट होती हैं और उसमें एंड में ऐसे लिखा हुआ आता है सिग्मा मेल या फिर यू नो हरियाणवी एटीट्यूड. Good. Have you seen any of those? नहीं मैंने ज्यादा नहीं देखी है. मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा रहता नहीं और मैं उसको खुद ज्यादा ऑपरेट भी नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत वक्त चला जाता है उसमें. जैसे ही आप खोलते हो एकदम से बहुत सारी चीजें आती रहती हैं और यू कीप कंज्यूमिंग वॉर्टेक्स. स्पेशली जब काम होता है तो मैं उसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ. बट व्हाट इज दिस हरियाणा एटीट्यूड दैट यू नो पीपल सो प्राउडली टॉक अबाउट. थोड़ा डरते नहीं है और अपने आप में बहुत एक सेंस ऑफ प्राइड होता है कि हरियाणा से है. और एक बंधन सा होता है आपस में. और मतलब एक एटीट्यूड को समअप करेंगे तो देखी जाएगी जो होगा देखी जाएगी. अब तो ओखड़े में मुंह दे दिया तो मुसलों से क्या डरना. सो आई थिंक दैट होल्ड्स अस इन गुड स्टेड ऑल इन मोस्ट थिंग्स वी डू. पता है हरियाणा के जितने भी लोग फेमस होते हैं या फिर सक्सेस पाते हैं उनमें एक और चीज कॉमन है अपार्ट फ्रॉम बीइंग फ्रॉम हरियाणा. दे ऑल एंड अप बीइंग योर फैंस. ओह रियली? यस. आई एम सो ग्रेटफुल. लाइक नीरज चोपड़ा लाइक अंकित बैनपुरिया. अरे वाह. आपने उनका नाम सुना है अंकित बैनपुरिया का? अंकित बैनपुरिया हाँ. वो भी रिसेंटली बहुत वायरल हुए थे. उन्होंने 75-day हार्ड चैलेंज किया था यूट्यूब पे और उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया था कि वो कैसे फिटनेस चैलेंज था एक. सो ही डिड दैट. ही वेंट वायरल and millions of you know people logged in and started watching his videos and everything. और उनका fitness का वही था कि वो हरियाणा से हैं but simple living में जो घर के राशन में जैसा बन रहे वैसे बॉडी बना रहे हैं. and बहुत अच्छा किया उसने क्योंकि काफी सारे लोग बहुत फैंसी चीजों में चले जाते हैं. हालांकि हमारा जो खाना होता है मोस्टली तो वेजिटेरियन ही होता है. वो भी इनफ होता है. और अच्छा किया उसने यार घर के क्योंकि फैंसी चीजें आपको बहुत लोग बता देते हैं डाइटिशियन वॉकिंग वर्कआउट करने वाले. तो घर में तो भैया दाल रोटी बन रही इसका क्या करेंगे. हाँ. तो वो कैसे आप खाएं और फिर भी आप अपने फिटनेस को कैसे इंप्रूव करें. आई थिंक गुड गुड ऑन अंकित. या सो यू आर हिज रोल मॉडल. आई एम ग्रेट ग्रेटफुल. थैंक यू. नीरज से मैं मिला था उसका जब गोल्ड मेडल आया था पूना में मिला था. बहुत ही ग्राउंडेड और अच्छा लड़का है. और वो बोल रहा था भाई साहब कुछ तो मैं कह यार ऐसा है कि
सक्सेस के बाद दूसरी सक्सेस मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो सक्सेस कई बार सर पे चढ़ जाती है। तो बोला नहीं नहीं भाई साहब, उसका ख्याल रखेंगे, एंड ही इज बीन डूइंग सो वेल, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, द होल कंट्री इज सो प्राउड ऑफ हिम। आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि सक्सेस आपको लगा के सर पे चढ़ रही है, या फिर एक डिफरेंट टेस्ट? देखो कभी कभी व्हेन यू आर मच यंगर, मुझे 22 साल हो गए हैं काम करते करते, तो शुरू शुरू में थोड़ा सा लगने लगा था, बट काफ़ी जल्दी मैं समझ गया था कि ये सब मोमेंट्री चीज़ें हैं और सक्सेस एंड फेलियर एक ही चीज़ है। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि डोंट लेट द सक्सेस गेट टू योर हेड एंड द फेलियर टू योर हार्ट, तो वो दोनों उस पर अमल करके मैं चल रहा हूँ। एंड आई मीन आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, मैं यूजली जब तक कि कुछ रिलीज होने वाला होता है मैं कोई दूसरे ही काम में बिजी हो जाता हूँ, ना मैं वैसा दिखता हूँ, ना मेरा माइंडसेट वैसा होता है, और ना ही मैं उस जोन में होता हूँ, तो कई बार तो मैं अपने खुद की पिछड़े विचरे नहीं देखता हूँ। नहीं क्यों? क्योंकि मैं दूसरे चीज देख रहा हूँ, एंड गॉड फॉरबिड कि आप इम्प्रेस हो जाओ अपने आप से। वो मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा एक ट्रैप जो होता है, इज टू बी वेरी इम्प्रेस्ड विद वन ओन सेल्फ, एंड दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ mediocrity and repetition. I think आपने कहीं पे वाली बात बोली भी थी, that you do anything only to be best at it. Yeah, one should always try to be best at it. अभी जब ड्रेसाज का गोल्ड आया है एशियन गेम्स में, ये सपना मैंने भी देखा था, हालांकि मेरे पिछले ही साल दोनों घुटने टूट गए थे। हॉर्स राइडिंग करते हुए? एक ऐसे एक एक्शन करते वक्त, एक मैं बिकॉज मैं इतना वीक था कि मैंने रियलाइज नहीं किया मैं घोड़े पे बैठा, और आई पास्ट आउट एंड आई दो बच्चे है मेरे पास, एक 2 साल की हो गई है, एक अभी 2-3 हफ्ते का ही हुआ है, मेल बच्चा हुआ है आउट ऑफ माय वॉर्म ब्लड, तो लेट्स सी वो कैसे निकलते हैं। डू यू नेम देम? या क्या नाम है उनके? मैंने अपनी फिली का नाम रखा है होप, बिकॉज शी वॉज बॉर्न अराउंड कोविड इन द होल वर्ल्ड नीडेड होप, और मेरी माँ का नाम भी आशा है तो उसका नाम होप रखा है, और जो कोल्ड पैदा हुआ है उसका नाम रखा है वीर, like वीर, because I'm involved in वीर सावरकर, वीर सावरकर of course, मैंने उसको वीर वीर का नाम दिया है। अभी तो मैं मिला भी नहीं उससे, हर वीकेंड कुछ ना कुछ शूटिंग वूटिंग रहती है, जा नहीं पा रहा हूँ, बट अभी मैं तवांग जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम, वहां से वापस आते ही मैं उससे मिलने जाऊंगा वीर। Nice. कभी आपने, I'm sure you're an equestrian, how do you say? Equestrian. Equestrian. Okay. So you're an equestrian. मैंने भी कई साल equestrian बोला। हाँ कोई शर्म नहीं है यार, ठीक है ना, the origin selling. तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, किसने ग्रामर का टेस्ट लेना है, किसने कौन बैठा है तुम्हारा, मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कौन बैठा है तुम्हारा वो करने, हालांकि लोगों को ये बहुत लोग फील करते हैं, पर क्या है, आदमी को समझ में आनी चाहिए आपकी बात। और नहीं तो क्या, ग्रोइंग अप इज रियलाइजिंग इंग्लिश इज जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो, इतना अमिताभ बच्चन का डायलॉग। सो या इंग्लिश इज वेरी फनी, और आप अगर देखो तो यूरोप के लोग होंगे हो गए जो भी कॉलोनीज नहीं थी ब्रिटेन की, उन लोग इंग्लिश बोलने में ज्यादा वो नहीं करते, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, लाइक बहुत सारे इटालियंस, फ्रेंच, स्पेनिश स्पीकिंग लोग, रशियन स्पीकिंग लोग, वो लोग इंग्लिश में इंटरेस्ट ही नहीं होंगे, वो प्राउडली अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। हमारे भी सारे, हमारे ही नहीं, हर एक कॉलोनियल जो कंट्री से रहा है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में है, हमारे अंदर वो हमारे अंदर बना हुआ है और पुश्तों से चला रहा है दैट कॉलोनियल माइंडसेट, तो मग हमको लगता है वो, पर अब फिर आई थिंक इंडिया बहुत बदल रहा है, हमें अपनी चीज़ों पे, अपने खान पान, बोली भाषा पे गर्व है अभी, तो इट्स अ न्यू फाउंड इंडिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। आपने भारत, एग्जैक्टली, और मैं यही बोलने वाली थी, डू यू नो यू कम अक्रॉस एज द परफेक्ट एम्बेसडर फॉर इंडिया एंड भारत। या मेरे अंदर दोनों है, मेरे नाना स्टीफन्स अंग्रेजों के जमाने में स्टीफन्स कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे और तहसीलदार की नौकरी करते थे अंग्रेज रेजिम में, और मेरे दादा बिल्कुल अनपढ़ और गांव के थे, तो दोनों बैलेंस मेरे अंदर है।
and I identify with both of them. Exactly, and not just that, because you are very firm to your roots. और वो दिखता है आपके रहन सहन में, the way you talk, how comfortable you just are, right, about a lot of things. And at the same time, you're also, you know, like the quintessential modern Indian man. One should learn everything and be able to be in any company at any given time and be able to hold your own. I think that's good. अभी जो इंडिया भारत का भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल ही यूजलेस है. वो भी एक हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है और भारत उससे भी पुरानी हिस्ट्री का हिस्सा है, पर वो दोनों हमारी हिस्ट्री के हिस्से. Does history fascinate you? History fascinates me a lot. बचपन से ही मैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाऊं, और हुआ भी हूं बहुत बार. किस में? केमिस्ट्री में, मैथ्स में. मेरा तो 12th में भी कंपार्टमेंट आया था केमिस्ट्री में, क्योंकि मुझे क्लियर करना पड़ा बाद में. पर वो इसलिए था क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता था पढ़ाई की तरफ. तो पर मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो कि इनफैक्ट मुझे लेना चाहिए था 11th 12th में, जैसे यू नो डॉक्टर इंजीनियर ही बनते थे उन दिनों, तो मैंने भी इंजीनियरिंग साइड चूज की थी. और मुझे पता था मैं कभी इंजीनियर नहीं बनूंगा, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें एक पैसे का. पर उस वक्त यू नो ये सब्जेक्ट सब लेने पड़ते थे फॉर अ फ्यूचर. और जहाँ से हम लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमारे लिए तो एक ही तरीका था कि पढ़ लिख के इसमें से निकल सकते हैं. और हिस्ट्री ज्योग्राफी ये जो सब्जेक्ट्स होते थे, उनके अंदर वो फ्यूचर नहीं दिखता था पेरेंट्स को या सोसाइटी को कि वो हो सके. आजकल तो इतनी जॉब्स हैं, आई मीन स्टाइलिस्ट इज अ जॉब, सो मेनी जॉब्स. अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इज अ जॉब, सोशल मीडिया इज अ जॉब. तो इतना सारा वो बदलाव आ गया है. पर या मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. तो अभी जैसे वाज दैट आल्सो अ मेजर रीजन व्हाई यू पिक्ड वीर सावरकर? वीर सावरकर पिक्ड मी, आई थिंक ही केम एंड सैट इन माय हार्ट और सैट इन पुशिंग मी फ्रॉम बिहाइंड. बट या मुझे बहुत मजा आया हिस्टोरिकल पिक्चर बनाने में. डिफिकल्ट भी बहुत थी, स्पेशली विद लैक ऑफ लोकेशंस एंड ऑल दैट. पर आई एंजॉयड इट, क्योंकि कई लोग बिना हिस्ट्री पढ़े आज की बातों को सुन के पढ़ के अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं. पर जैसे एक आंदोलन चला था अभी वेस्ट में, जहाँ पे वो पुतले गिराने शुरू कर दिए थे अपने एंसेस्टर्स के, जो स्लेव ट्रेडर्स थे, ये थे वो थे. तो मैं कह रहा था कितना यूजलेस काम है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज तुम डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आते हो. तो ये दुनिया बदलती जाती है, वोक होती जा रही है. मैंने एक कहानी लिखी थी जिसमें मैं लिखता हूँ कि आगे चल के जमाना वोक की ही मौत मरेगा, जब वोक को वोक कहना वोक ना होगा. सो वो सब चीजें हैं. तो उसका कॉन्टेक्स्ट ढूंढने के लिए, उसका उसको कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए, आई थिंक हिस्ट्री की नॉलेज बहुत जरूरी होती है, हर एक इंसान को होनी चाहिए. जैसे मैं कल रात को जेरी साइनफेल्ड देख रहा था, और जिस टाइप के जोक्स वो क्रैक कर रहे थे, विच इज़ ए 90s 80s 90s का सीरीज है, मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे फनी और इंटेलिजेंट सीरीज है. उसमें जो वो जोक्स क्रैक कर रहे थे, आज की तारीख में कोई करे तो हंसी भी लटका ले, बट इट वॉज ओके. सो वन हैज टू कीप अब्रेस्ट विद द वर्ल्ड, बट वन शुड नो वेयर ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर, कंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम. तो आपने बहुत, लाइक, डिड यू आल्सो रीड अप अ लॉट अबाउट सावरकर? Oh yeah. I read up a lot. What was that process for you like? That process is always very interesting. I do kind of ढूंढता हूँ मैं ऐसी चीजें कि जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ उसके उसकी दुनिया हो, उसकी चाहे वो कंटेम्प्रेरी किरदार हो. तो उस रिसर्च में उसमें, और इसमें तो मुझे और भी बहुत मजा आया. पहले तो मैंने जितनी फ्रीडम स्ट्रगल की बुक्स पढ़ी उसमें से सिर्फ दो पैराग्राफ्स में था द आर्म्ड रेवोल्यूशन. And it had no bearing, nothing. It was of no concern, which was not the case. So, फिर मैंने जब deeper research की और books पढ़ी और internet पे research की, archives में गया, तो मुझे बहुत कुछ मिला वहाँ पे जो कि हमारी knowledge में नहीं था, मेरी knowledge में नहीं था at least. तो उससे it was a very enriching experience and yeah, I enjoyed it thoroughly. And I think जो hashtag है movie का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. लाइक हाउ डिड यू, यस, हाउ डिड यू कम अप विद दिस? वेल, द मैथ पीपल रिस्पांसिबल फॉर द मार्केटिंग ऑफ द फिल्म, दे केम अप विद इट एंड वी हैड काफी लंबी डिस्कशंस हुई हमारी.
मेन चीज ये थी कि इफ द लायन लिव टू टेल द स्टोरी इंस्टेड ऑफ द हंटर देन द स्टोरी विल बी डिफरेंट सो दैट्स हाउ आई हैव अप्रोच्ड वेरी इंटरेस्टिंग And I think आपकी physical transformation भी movies में हमेशा बहुत different रहती है. Sometimes you totally lean, sometimes you bulk up. पर वो role, मेरा role accept करने के बाद मुझे realize होता है कि उसमें क्या करना पड़ेगा. हमारे emotional memory से ज़्यादा strong हमारी body की memory होती है. Muscle memory. Body के अंदर हमारी memory होती है. तो I rely more on that than the emotional journey because emotions are fleeting. तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं लोग और इमोशंस दोनों लोग और इमोशंस तो बट आई हर्ड दैट यू आप जिम नहीं जाते बहुत देर के लिए ऐसे थोड़े थोड़े में आपका चल जाता है हाँ मैं नेचुरली जाट होने के वजह से मैं नेचुरली ब्लेस्ड हूँ मैं स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन से ही स्पोर्ट्स एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उस तरह से मैं ब्लेस्ड हूँ तो मेरा मैं अपने खान पान को और एक्सरसाइज को बैलेंस करके मैं वेट गेन वेट लॉस वो कर लेता हूँ मोटा होने का सबसे आराम आसान तरीका है घी और दारू और पतला होने का है उन दोनों से दूर रहो ये क्वेश्चन ना मैं अपने गेस्ट से बहुत पूछती हूँ बट सारे गेस्ट बहुत यूनिक और डिफरेंट आंसर्स देते हैं एंड इट इज अबाउट देयर ब्रो कोड हाँ कि लड़कों में एक ब्रो कोड तो हमेशा होता है बट वो उनके लिए क्या मतलब होता है उस ब्रो कोड का वो आंसर हमेशा यूनिक आता है ब्रो कोड का मतलब होता है व्हाटएवर हैपेंस बिटवीन द ब्रोस स्टेज बिटवीन द ब्रोस ओके जस्ट दैट सीक्रेसी है मतलब नहीं इट्स अ अंडरस्टूड थिंग और ब्रो कोड क्या होता है ब्रो कोड या बी देयर फॉर ईच अदर एंड ब्रो कोड कीप्स चेंजिंग आल्सो ओके बेस्ड ऑन व्हाट बेस्ड ऑन वेयर यू आर एंड हु यू आर विद Okay. Yeah. Bro code in Haryana is different. Bro code in US is different. Bro code somewhere else is different. What is bro code in Haryana? Bro code in Haryana is just भाई मैं तेरे साथ हूँ, हैं? दारू पी के हवाई जहाज तेरा भाई उड़ाएगा. गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. Yes, nice. Yeah. So, what is the night with your bros like? Well, if I'm not trying to lose weight, then few drinks and chats and jokes and laughing and pulling each other's leg or watching something or you know mostly that main zyada bahar nahi jata hu meals ke liye dancing ke liye ya uske liye to sab ghar pe hi ho jata hai वैसे देख के तो आपको लगता है that you know you're a very whiskey single malt cigar kind of a man I've been through all those phases now I drink tequila. Oh wow, that's a very bold choice. Yeah. Like shots or? No, like a normal drink. I didn't expect that. I'm a little thrown off. No. हमने सब दारू, रम, विस्की सब करके देख लिया. Beer is my favorite, but. Beer belly. नहीं beer अभी पीना मुश्किल होता जा रहा है मतलब वो मजा नहीं आता. You feel very full and not high. बट आप ज्यादा बाहर नहीं निकलते जैसे आपने बोला था आप कभी पैप भी नहीं होते इतना ज्यादा मैं दो चार बार डांट चुका हूँ उनको तो मेरे से वैसे भी दूर रहते हैं क्यों? और पैप होने के लिए एक मशीनरी लगती है जिनको मैं एक आर्म्स लेंथ पे रखता हूँ क्योंकि मैं यूजुअली आई थिंक उससे एक स्ट्रेंथ आती है वेर यू आर अननोटिस्ड एंड यू आर काइंड ऑफ ब्लेंड इनटू पीपल एंड देन You know, you notice more things. Otherwise, everybody gets conscious with you around. But yeah, I try and avoid it. But why? Because this is very ironical. Like being an actor, being in the public eye is like. I have not given attention to it so far. Though my team is trying to get me papped everywhere and do things, and I'm letting them do stuff because I've got a huge movie coming up. But. I don't know. I always felt कि एक आर्टिस्ट के पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होना चाहिए पर शायद जमाना बदल गया है अब खाने पीने से लेकर हगने तक के वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे डालने का जमाना आ गया है अपने होठों को मछली की तरह बना के खुद ही अपनी फोटो डाल के स्टोरी आई रिटन ऑन छवि इट्स कॉल्ड छवि इमेज विच I've been quoting again and again. I think because, तो मैं फ्री टाइम में मैं
सावरकर क्योंकि राइटर थे और मैं बचपन से कोर्स की किताब नहीं पढ़ी, पर वैसे मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करता, पढ़ाई पढ़ा करता था। उनका एक मेरे पास बस था तो मैं ऐसे बैठ के लिखने लग जाता था हिंदी में, उनकी हैंडराइटिंग वगैरह कॉपी करने के लिए। तो एक फाउंटेन पेन से मैं लिखना शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट। मेक्स टू ऑफ अस, आई एम अ राइटर एज़ वेल। रियली? यस। गुड। यस। ऑल दीस पुअर पीपल हु डोंट राइट। या, विद द एलीट क्लास। या, दे आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। हरियाणा की जो हिस्ट्री है और जो कल्चर है, क्योंकि हमारी अपनी लिपि नहीं थी तो बहुत सारी वो कहानियों में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से चलती आ रही थी मुंह बोली जो होता है, उसकी वजह से हमारा कल्चर और वो बहुत ही अनडॉक्यूमेंटेड रहा। जैसे पंजाब का अपना लिपि होता है, महाराष्ट्र का, बंगाल का, और भी तमिल तेलुगु व्हाटएवर, तो इनकी अपनी एक वो होती थी, हमारी खड़ी बोली थी, इसलिए हमारी लिपि हिंदी ही थी, पर वो कोई ज्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो हमारी हिस्ट्री काफी वो हो गई। आई होप अभी कर रही गवर्नमेंट काम कर रही है हिस्ट्री को थोड़ा और रिस्टोर करने के लिए, एंड आई होप आई कैन बी ऑफ हेल्प एट सम स्टेज। आई थिंक यू आर, यू आर वन ऑफ, यू नो, यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आर मेकिंग इट साउंड कूल। जैसे हरियाणा भी क्या हर जगह के लोगों को थोड़ा सा टाइप में डाल देते हैं ना। फर्स्ट वंस टू मेक इट साउंड कूल, बट अभी तो हरियाणा के कूल बहुत आपको मिल जाएंगे। अभी वो रिसेंटली अल्पेश यादव कहीं के भी लोगों को ना एक टाइप में डाल देते हैं बहुत लोग बहुत जल्दी से। जैसे दिल्ली का है तो मतलब गाली देता होगा, ठीक है, तो ऐसे हरियाणा का कोई एक है कि इस टाइप में डाल देते हैं, बट इट्स लार्जली मिसअंडरस्टूड। अखरोट की तरह बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट। असली में ऐसे ऐसे हरियाणवी बाहर से हार्ड होते हैं अंदर से सॉफ्ट होते हैं। वैसे मैं आपको देख के कह सकती हूँ आई वॉज अ लिटिल इंटिमिडेटेड, बट देन ही इज अ सॉफ्टी गाइस। या हमारे बहुत सिखाया जाता था कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं, आदमी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बट क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमसे उसे अपने इमोशन हमसे छुपाए, उनके पेरेंट्स ने उनसे छुपाए होंगे, बट टू बी सेंसिटिव, देयर इज नथिंग रॉन्ग बीइंग सेंसिटिव एज अ मैन। इन योर डेफिनेशन, जैसे अभी आप बोल रहे थे, आपके लिए क्या डेफिनेशन होगी एक अल्फा मेल के लिए? अल्फा मेल वो होता है जो थोड़ा सा निडर होता है और चांसेस लेता है और अपने साथ के सभी लोगों का ख्याल रखता है। ओके। जैसे बहुत लोग ना, बहुत यंग लड़के, लाइक अ लॉट ऑफ यंग बॉयज, यंग मेन, दे वॉच आवर चैनल, और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है हाउ टू इम्प्रेस वुमेन। एंड सिंस यू आर लाइक द पोस्टर बॉय फॉर लाइक द परफेक्ट मैन आउट देयर, सो यू नो लाइक इट शुड कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अरे क्या, पन इंटेंडेड। पहली बात तो ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले लड़कियों को पता चल जाता है, तो थोड़ा सा अपने उसमें रहो और बनावटी बनने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, कोई तो होगी जो तुम जैसे हो वैसे ही तुमको अपना लेगी या तुम्हें लाइक करेगी, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बनावटी बन के अगर तुम कहीं पहुंच भी गए तो ज्यादा दिन टिकने वाला वैसे भी नहीं है। वैसे आप अपनी हर सेंस में आप अनकन्वेंशनल हो, लाइक आई हैव रियलाइज्ड व्हाइल टॉकिंग टू यू। या, बट अभी इस पॉइंट इन टाइम में किसी चीज का डर रहता है, लाइक एट दिस स्टेज इन योर लाइफ? सबसे बड़ा डर तो ये रहता है कि जो मेरे अंदर एज अ कलाकार है वो बाहर निकल के आएगा पूरा कि नहीं, लोगों तक पहुंच पाएगा कि नहीं। वर यू एम्बिशियस एज अ किड? या, बट आई वाज वेरी लेजी। Lazy? I've always been very lazy. Very lazy. I think you have a lazy elegance about you. Yeah, I mean, I would lie on the couch for days, you know. But that was a long time ago. Now, I'm pulling a finger out of my ass and doing things which I found were very hard to do. But I just am taking them in my stride. Kafi cheeze aapko har roz karne ko aap face karte ho, jisme aapko lagta hai ke मैं कैसे कर पाऊंगा, तो उसमें एक ही चीज है, पहले तो टाइम पे पहुंच जाओ। पहली चीज टाइम पे पहुंच जाओ और ज्यादा प्लान करके मत पहुंचो तो धीरे धीरे वो वर्कआउट हो जाता है। और वर्कआउट नहीं भी हुआ तो अगली बार कर लेना यार, ऐसी क्या लाठी है। सही बात है, बट पहले तो बचपन में पेरेंट्स ही बहुत ज्यादा ये चीजें समझाते हैं ना शुरू में। आई थिंक योर फादर वाज अ डॉक्टर, सो आई एम श्योर ही वाज स्ट्रिक्ट विद यू। You were strict with me. जैसे ही पापा के स्कूटर की आवाज आती थी हम सारे टीवी टूवी बंद करके चुप जाते थे, किताब खोल के बैठ जाते थे। किताब खोल के बैठ के तो खैर
पकड़े जाते थे पर अदरवाइज या ही वाज स्ट्रिक्ट बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उन्होंने हम बच्चों के लिए अपने आप को बहुत बदला. मेरे फादर मेरे दोस्त भी या पहले ऐसा नहीं होता था पर धीरे धीरे ऐसा होने लगा. मेरे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए अपने आप को बहुत अडेप्ट किया. उन्होंने हम पे नहीं हमको जुदा नहीं होने दिया कि वो अपने रिजिड एक उस पे अड़े रहे. मेरे पेरेंट्स ने तो अपने आप को बहुत अडेप्ट किया हमारे साथ. आई होप वो क्वालिटी मुझ में भी रहे. आई अज्यूम दैट यू आर अनमैरिड राइट नाउ. व्हाट डू यू अज्यूम? Because tabloids say that. Tabloids don't say I'm married. Yeah, no, but I definitely want to have children and. Do you want to get married? Yeah. Do you believe in it? Yeah. The institution of marriage. Institution of marriage अब वो नहीं रहा जो शायद होता था. मतलब जो एक conventional marriage होती थी और एक आजकल हालांकि हिंदुस्तान बम्बई और दिल्ली जैसे शहरों के आगे बहुत बड़ा है तो मैरिज का मतलब हर जगह अलग होता है. मेरे लिए अलग है आपके लिए शायद अलग होगा और गांव में और छोटे शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अलग होगा. तो मैं उस पर कोई एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला हूँ नहीं क्योंकि मेरी नहीं हुई अभी तक. तो बट हाँ बट या आप एक पॉइंट के बाद क्या कर क्या रहे हो. आई मीन ऑफकोर्स आपके पास पर्सनल एम्बिशन हो सकती है. मेरे पास है पर उसमें भी एक एनरिचमेंट ऑफ इमोशन. मुझे इम्तियाज अली ने ये बात कहा था कि सर यू शुड हैव चिल्ड्रन बिकॉज दे विल मेक यू यंग अगेन. वो आपको इस नई दुनिया बदलती दुनिया के साथ जोड़ेंगे जैसे शायद मेरे पेरेंट्स को उन्होंने जोड़ा है उन्होंने नई दुनिया के साथ. अगर उनके बच्चे नहीं होते तो वो उसी सोच और एज ग्रुप में रह जाते. तो शायद उसके लिए maybe you should have kids to stay young. Nice. Shahrukh did. Amir did. Yeah. So आपके parents ने वैसे कभी आप पे pressure नहीं डाला? नहीं डाला है. मेरी माँ ने बहुत pressure डाला है. But ऐसा मैं उनके भी हाथ में नहीं आता हूँ. नहीं. पर वो हमेशा उनको ये भी लगता था क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे तो जॉब सिक्योरिटी सैलरी सिक्योरिटी एक होती है जो कि मेरे पास नहीं थी. और मैं इतना चूज करके काम कर रहा था और वो शायद इतना चूज कर लेता था कि वो सब्जेक्ट ही नीश हो जाता था कई बार. पर मैंने बहुत कम काम किया है बाकी लोगों के उससे. और मैं एंसिलरी इनकम भी मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अपने उसमें ही खोया रहता हूँ. और ऊपर से मेरे पास घोड़े हैं तो घोड़े बेच के तो सो नहीं सकते. तो शायद मेरे पेरेंट्स को भी लगता था कि मेरे पे इतना जोर नहीं डाला क्योंकि मुझे लगता था कहीं तो मैं फाइनेंशियली या वैसे मैं जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं हूँ. पर अब उन्हें भी समझ में आ गया कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है. आज मेरे पास काम है कल ना हो दो साल तक ना हो. और मेरे जैसा एक्टर तीन तीन साल दाढ़ी उगा के बैठा हुआ है घर पे कोई कमाई नहीं कोई कुछ नहीं तो उनको इस बात की चिंता रहती थी. तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे इतना परस्यू नहीं किया. बट जब आपने सोचा कि आपको एक एक्टर बनना है. अब मिडिल क्लास मेंटालिटी जैसे हमारी भी यही होती है कि कुछ होना हो महीने के एंड में सैलरी आनी चाहिए. वो सिक्योरिटी होती है. इसलिए बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बिजनेस में भी नहीं जाते वो जॉब्स ऑप्ट करते हैं. तो जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टर बनना है तो मन में थोड़ा सा ऐसे हुई नहीं कि यार बहुत अनप्रेडिक्टेबल जॉब है. था कि मुझे एक्टर बनना है. मेरी सिस्टर थी मैं स्पोर्ट्स स्कूल राय में पढ़ता था और हमारा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट था. और मेरी सिस्टर को जब मैंने स्टेज पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस या समथिंग लाइक दैट लेते देखा तो सब लोग ऐसे ऐसे ताली बजा रहे थे. मैं ऐसे कर रहा हूँ ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड देन इन स्कूल में ही मेरे को कई बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला. फिर मुझे काफ़ी मैंने डायरेक्ट भी किए प्लेज. मैंने फ्रेंच प्लेज इंग्लिश में ट्रांसलेट कराए और पूरा मैं प्रोडक्शन डायरेक्शन सब करता था उसमें. और आज भी कर रहा करने लगा हूँ थैंक्स टू मिस्टर सावरकर. तो मेरा बचपन से ही वो था. हालांकि कुछ सालों के लिए मेरा उससे मन हट गया था और ज़िंदगी जीने में निकल गया था. वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ रही. क्योंकि आप कलाकार या एक्टर तभी बन सकते हैं जब आपने पूरी दुनिया देखी. तो वो मेरे लिए ठीक रहा. तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया इतने ही बोला था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ
तो पहले ऑस्ट्रेलिया से बोला था तो बोले कि भांडी बनना है तो घर आ जा भाई, एटलीस्ट हमारे साथ तो रहेगा। फिर यहाँ पे आया जब मैं इंडिया, मैं नौकरी नौकरी में जो कोर्स करके आया था उसके हिसाब से मुझे मिल गई, तो मैंने उनको बोला मुझे नौकरी नहीं करनी और मुझे एक्टर बनना है। बड़ी गुमसुम से हो गए, इनको पता था बचपन से मेरा शौक तो था। तुमने आपस में कंसल्ट किया होगा या जो भी बोलता है, भाई तुमने जो बनना है बन, बुढ़ापे में मारे पर बोझ मत लो। सो दैट इज समथिंग विच आई हैव लुक्ड आउट फॉर। मैं अपना आत्मनिर्भर तो रहा ही हूँ, कभी ऐसे कभी वैसे, पर मैं मेरा चलता रहता है मामला, अब थोड़ा धीरे धीरे और भी ठीक होता जा रहा है। तो उसके हिसाब से आई थिंक दे वर नॉट वेरी शॉक्ड एंड इनफैक्ट दे आर हैप्पी दैट दे लेट मी डू इट। माय सिस्टर आल्सो वांटेड टू डू इट बट दे डिडंट अलाउ हर। व्हाई? शी आल्सो गॉट अ बिट, उसको भी थोड़ा मायूसी हो गई थी क्योंकि जब वो बॉम्बे में आई थी आफ्टर डूइंग हर मेडिसिन डिग्री और यहाँ पे, तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी डर्टी प्लेस, यहाँ पे यू नो इट वाज ऑल कास्टिंग काउच ये वो, उसने तो शी गॉट वेरी शी लेफ्ट, शी सेड शी सेड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और फिर मैंने अभी उसे वीर सावरकर में मैंने उसको मैडम कामा के रोल में कास्ट किया। ओह वाओ, ब्रदर सिस्टर, शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द मूवी। और मैं पहले उसको कास्ट नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था कि नहीं यार नेपोटिज्म लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। सो द कास्टिंग डायरेक्टर मेट हर वन डे, वो बोला ये ही मैडम कामा है। मैं कहा चलो इसका स्क्रीन टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। आई वाज लाइक कि सेट पे मेरी बड़ी बहन है तो हमारा झगड़ा झुगड़ा ना हो, उसको बोलूं ऐसे कर वो ना करे, यू नो। तो बट इट वेंट वेरी स्मूथली एंड शी इज वेरी गुड इन द मूवी एंड आई एम वेरी हैप्पी आई कास्ट हर। दिस इज सच अ क्यूट ब्रदर सिस्टर स्टोरी। वही मेरा सारा वेट लॉस, वेट गेन, मेरा बहुत कुछ, मेरा इंटरनल मेडिसिन की तो डॉक्टर ही है, तो मेरा इंटरनल वो चेकअप चुकअप्स कराती रहती है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। और उसकी वजह, अगर वो नहीं होती मेरी जिंदगी में तो मैं इतनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एटलीस्ट नहीं कर पाता। ऐसे कोई होना हो फैमिली में, एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। हाँ, हमारे फैमिली में तो दो है। योर फादर इज अ सर्जन एंड योर सिस्टर इज वेल। या माय सिस्टर इज एन इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर हु looks after now nutrition and anti-aging and all those lifestyle related diseases, obesity and all those things. So she's really contributing in that sphere. She's helping a lot of people out, and scientifically she's not a dietitian as some people think, she's a doctor, but she's, yeah, she also takes care of that. No wonder you're always fit. Yeah, you should see her. Nice. अब लोग जाएंगे गूगल करेंगे। Nice. So to stay this fit in your 40s, the journey starts in 40s, 30s, 20s. When? I don't know. बचपन से ही होना चाहिए यार। बचपन से ही हमको encourage करना चाहिए बच्चों को, खेल बाहर जाके खेलें। अब तो पहले हमको घर में खींचते थे कि अंदर आ जा, अभी लोग बच्चों को बाहर धक्का देते, बाहर चला जा, because of these, all these apps and gadgets and all these things. Yeah. जब आपने वो ब्रेक लिया था, अभी आपने बोला, and that was best for you, जो फिल्मों से ब्रेक लिया था, उसमें क्या किया? फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया था, मैं एक फिल्म की तैयारी कर रहा था, उसके लिए मैंने 3 साल में को मैं दाढ़ी उगाई थी, वो मूवी बैटल ऑफ सारागिडी में मैं सीख प्ले कर रहा था, तो उसके लिए मैंने वो किया था। तो बात बढ़ती गई तो मैंने तो ये किया था कि जब तक ये कसम खाई थी मैंने गोल्डन टेंपल में जाके कि जब तक ये पिक्चर अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाती मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। और फिर जब वो अंजाम पे पहुंची कि अब इसके बनने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे हैं, तो मैं रोते रोते गुरुद्वारा गया और अपने सॉरी मांगी कि भैया मेरे को अपना घर चलाना है, काम करना है, मेरे को वो भी मेरा कर्तव्य है। तो मैं बाबा जी से माफ़ी मांग के फिर घर आके रोते रोते प्रेमिका ने मेरी गाड़ी काटी थी। आपको वाइल्ड लाइफ में भी बहुत वो है ना? Yes, हाँ, वाइल्ड लाइफ का मुझे बचपन से जानवरों का शौक रहा था एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के साथ रहा था, घोड़े, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली। फिर मेरे को हमेशा रुचि रहती थी, आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स एंड जंगल, पर मुझे उसका एक्सपोजर नहीं मिला था। तो पहली बार मैं दुधवा गया था, पलिया कलान, वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं शमिंदर सिंह, तो वो मुझे दुधवा के टाइगर रिजर्व में लेके गए, तो आई वाज स्टंड, यार ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। जो फीलिंग, वो हवा एंड दैट क्वाइटनेस, आई मीन जंगल इज नेवर क्वाइट, बट दैट थिंग, आई वॉज वेरी टेकन इन।
उसके बाद मैं एक शख्स से मिला जिनका नाम सरोश लोधी है नागपुर से, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, तो इंस्टाग्राम पे मैं उसको मिला और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे कैमरा किसी ने बोला मुझे ये कैमरा ले लो, तो मैंने वो दिया, तो उसको बोला इसमें इतने बटन है यार मैं तो रख दिया साइड में, तो बोलते हैं आ जाओ कल सुबह चलते हैं जंगल। ये रात को 10:30 बजे बात हुई थी और मैं सुबह 8 बजे नागपुर के एयरपोर्ट पे था कैमरा लेके, एंड फ्रॉम देयर अनदर जर्नी हैज स्टार्टेड विद सरोश एंड जंगल्स एंड टाइगर्स एंड अदर ब्यूटीफुल थिंग्स इन द फॉरेस्ट व्हिच आई रियली एंजॉय। सबसे ज्यादा किसको कैप्चर करने में मजा आता है? या थ्रिल? आई लाइक मंकीज द मोस्ट। व्हाई? आई लाइक लंगूर द मोस्ट, दे आर रियली फनी एंड दे रियली मेक वेरी फनी एक्सप्रेशन, दो लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स डोंट फोटोग्राफ देम, बट आई हैव अ लॉट ऑफ लंगूर्स पिक्चर, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एज अ सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट ह्यूमन येट एनिमल एंड या एंड टाइगर्स ऑफ कोर्स मेक अ वेरी, आई मीन द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर इटसेल्फ कैन गिव यू अ लॉट ऑफ all kinds of energies and all that. There is an excitement around the tiger which is unbelievable. And every time, after you've seen it hundreds of times, still every time it's the same excitement. Mm-hmm. I like morning mist and subject and all that. You know, I like all that. Mm-hmm. I enjoy it. Have you ever been obsessed with anything in life? Like, have you had obsessions? Everything. Everything. Everything I'm obsessed with. Okay. Everything, right to the detail. I'm very obsessed with everything. I like everything. World Cup आ रहा है. आप क्रिकेट देखते हो? हाँ, मैं देखता हूँ क्रिकेट. बहुत देखता हूँ. Favorite cricketer कौन सा है? Favorite cricketer? अलग-अलग वो हैं. मेरे को रोहित का elegance अच्छा लगता है. मुझे कोहली की tenacity अच्छी लगती है. मुझे अपना बुमराह का consistency अच्छा लगता है. शार्दुल का स्विंग अच्छा लगता है. सूर्य कुमार यादव इज वेरी अनकन्वेंशनल टू वॉच, बट आई टू रियली लव सहवाग बैटिंग. ओके. आई टू लव सहवाग बैटिंग. पता नहीं क्या होगा भाई, पता नहीं क्या होगा. एंड इज रियल एक्साइटमेंट अबाउट इट. एंड ही प्लेड सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट इनिंग्स इन क्रिकेट एंड इज अ ग्रेट गाय, वेरी फनी हरियाणवी जाट बॉय. कभी आपने इन रियल लाइक अटेंड किया है? देखने गए हो मैच वैच? हाँ, मैं देखने गया हूँ एक बार, दो बार ही गया हूँ. एक बार नसीब भाई बोले अरे फ्रैंक सार्कर इज माय फ्रेंड, वी गोना गो एंड टिकेट्स एंड गो वॉच दिस टेस्ट मैच और समथिंग. वहाँ पहुँचे तो हमको स्टैंड की टिकट दे रखी थी, वहाँ पे नसीब भाई और फोटो खींच खींच के पागल ही हो गए. फिर मैं उनको दोबारा लेके गया. धोनी और somebody had hooked up a box for us. Okay, वो जो प्राइवेट वाला बॉक्स होता है. So we had beer and watching the thing with नसीब भाई, me, Perry, my hairstylist at that time, and yeah, it was a great, great, great afternoon to watch cricket like that. But I don't know. I like watching it on television a lot because of the close-ups and you know everything. Everything is right there. Yeah. What is like a perfect Sunday relaxing day for you? I haven't had one of those for a while. Oh. But yeah, I don't know. Read, watch TV, have beer in the afternoon. Yeah. What do you watch on TV? Sports a lot. Okay. I watch sometimes fiction. Sometimes I like to watch a series, long thing. And I watch the news. If there was one thing you could go back and tell your younger self, what would it be? Chill, bro. Be okay. Chill. Chill. Sab theek ho jayega. You were stressed growing up? In the sense that I wanted to do a lot of things and there were not many avenues and I did not know how I went, what I'm going to do in life for a long time. Though I wanted to be an actor, but how does one become an actor coming from Rotak? Yeah. All those things. And I think things find you if you have enough desire towards it. Mm. And, you know, yeah, just, I think chill more. Abhi bache hain koi ambitions? बहुत एम्बिशन बचे हैं यार, बहुत ज्यादा बचे. जैसे एक पता है हमें ओलंपिक में जाना है इनको. 70 तक का इनके पास टाइम है. नहीं, बहुत बचे हैं. आई वांट टू टेक इंडियन सिनेमा मोर इंटरनेशनल एंड यू नो वांट टू बिल्ड अ हाउस इन जंगल. व्हाट इज वन टॉक्सिक ट्रेट यू फील यू हैव? टेंपर. या व्हाट टिक्स यू ऑफ? What ticks you off? मैं डर गई एक सेकंड के लिए. No, temper. I don't know. It's just the mood. Everything ticks you off if you're in that mood. But thank you so much for being in a lovely mood with us. My pleasure. Rindeep. My pleasure. Thank you for having me. Yes.
ऑल द बेस्ट, जस्ट चिल इन लाइफ, सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए समय है. एंड बिकॉज यू वर सो नाइस एंड वार्म एंड वेलकमिंग फॉर अस, वी हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू. This is from our side to you. Thank you. A token of our appreciation. Should I open it now or later? Yes, you can open it now. See if you like it. Yeah, I know what it is already. Yeah? Yeah. What? I did an ad for these people. And with that, we will take your leave, but we'll come back next week with a brand new episode. Until then, you know what to do. Like, share and subscribe to Men's Expert.